हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रीन टेक सॉल्यूशन। होप यू गाइस आर फाइन। तो आज हम बात करेंगे इक्विजन DVR की, कि कैसे हम इक्विजन DVR में एक IP कैमरा अटैच कर सकते हैं। तो उस IP कैमरे के थ्रू आप इजीली एक एक्स्ट्रा कैमरा इसमें अटैच कर सकते हैं DVR में। इफ़ यू हैव अ 4-channel DVR और 8-channel DVR, देन यू कैन ईजिली कनेक्ट एन IP कैमरा विद दिस DVR। तो अगर मान लो, सपोज कीजिए आपके पास 4-channel का DVR है, तो आप इसमें 5 कैमरे अटैच कर सकते हैं। 8-channel का DVR है तो आप इसमें 10 कैमरे अटैच कर सकते हैं, जिसमें चार, जैसे 4-channel का DVR है तो 4 आपके रेगुलर कैमरे होंगे और एक आपका IP कैमरा होगा। 8-channel का DVR है तो 8 आपके रेगुलर कैमरे होंगे और 2 आपके IP कैमरे होंगे। तो ईज़िली आप इसमें, अगर 8-channel का DVR है तो 10 कैमरे अटैच कर सकते हैं, 4-channel का DVR है तो 5 कैमरे अटैच कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी हो जाता है इसके थ्रू। तो ये देखिए, हमारे पास 8-channel का इक्विजन का DVR है, HQ सीरीज़ का है, तो 1080p पे काम करता है। तो ये देखिए, मॉडल नंबर है इसका 7A808HQH1K1। तो ये K1 सीरीज़ का DVR है, काफ़ी अच्छा DVR है। तो इसके साथ हम IP कैमरा ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा IP कैमरा है, तो हमने IP कैमरा लिया हुआ है 2 megapixel का, 1080p पे ही ये काम करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके LAN पोर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो अगर आपके पास, सपोज कीजिए, 2 कैमरे आपने अटैच करना है, तो LAN पोर्ट तो एक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक राउटर की हेल्प से या एक स्विच की हेल्प से, उस स्विच में ये दोनों कैमरे अटैच करेंगे और एक एक्स्ट्रा LAN केबल लेके उसको आप इसके LAN पोर्ट में, DVR के LAN पोर्ट में इसको अटैच कर देंगे। तो इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, हमारी LAN केबल है, तो इस LAN केबल के थ्रू हम फ़िलहाल तो हम क्या करेंगे, सिंगल ही IP कैमरा आपको लगा के दिखाएंगे। तो ये डायरेक्ट इसमें अटैच हो जाएगा, और इसको अटैच करने के बाद हम इसका व्यू पॉइंट चेक करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमने अटैच कर दिया है। तो ये हमने क्या किया, एक VGA केबल अटैच की है DVR के साथ, एक ये LAN केबल अटैच की है, और ये माउस का माउस USB पोर्ट में माउस अटैच किया है, और ये इसकी पावर सप्लाई है। तो ये हमने क्या किया, कैमरे को हमने, ये देखिए, LAN से अटैच कर दिया है, इस वाली LAN से। तो और दूसरे के थ्रू हमने एक अडप्टर के थ्रू इसको पावर दे दिया है। तो कैमरा हमारा ऑन हो चुका है, DVR हमारा अटैच हो चुका है। तो चलिए, अभी हम चलेंगे अपनी स्क्रीन पर। तो ये देखिए, सबसे पहले एज़ यूज़ुअल जो आप सेटअप करते हैं, सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, क्रिएट अ पासवर्ड में जाके, और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करना है, देन IP का पासवर्ड आपने अटैच करना है, और उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये आप आंसर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे ना दीजिए। वैसे इसका बेनिफिट होता है इनकेस आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप इजीली अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, सब में एक ही आंसर लिख देते हैं, ताकि ध्यान रहे आपको और आप ना भूलो कोई भी चीज़। तो ये देखिए, मैंने अलग अलग क्वेश्चन बना दिए हैं इसके, और इसमें सब में मैंने ये एडमिन लिख दिया है, एडमिन ही इसमें लिख दिया है, एडमिन ही इसमें लिख दिया है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन में हमने सेम आपका एक सिंगल आंसर लिख दिया है। तो कभी भी आप भूलोगे अपना पासवर्ड, तो आपको पता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, और आप इजीली अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ये इसका पैटर्न हमने क्रिएट कर दिया। तो सेम प्रोसेस है जैसे आप यूजुअली करते हो, अपना पैटर्न क्रिएट करना है। ये आपका सेटअप विज़ार्ड आ चुका है, स्टार्टअप विज़ार्ड आ चुका है, तो इसमें सेम अपडेट टाइम वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो उसी तरह से जो यूजुअली आप करते हैं। आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि कैसे आपने ये सेटअप करना है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर देता हूँ। ये देखिए, हमारा IP कैमरा आ गया है। अब इस IP कैमरे का, ये देखिए, पासवर्ड जो इसका IP एड्रेस है वो है 1.64। तो सबसे पहले हमने कन्फर्म करना पड़ेगा कि हमारे जो DVR है उसका क्या IP एड्रेस है। ये देखिए, ये हमारा सेम IP एड्रेस आ रहा है, तो IP कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है,
या तो हमने अपने कैमरे का आईपी एड्रेस चेंज करना है या फिर अपने डीवीआर का आईपी एड्रेस चेंज करना है। तो फिलहाल इस केस में हम क्या करेंगे, अपने डीवीआर का आईपी एड्रेस हम चेंज कर देंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले मेन्यू के अंदर, उसके बाद हम चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देन वी कैन गो टू नेटवर्क। और ये देखिए ये हमारा आईपी एड्रेस है 1.64 और सेम हमारा कैमरे का था, तो हम इसको चेंज कर देते हैं 1.100 कर दिया है और इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, कैमरे में जाना है और ये देखिए हमारा आईपी, पहले ही आईपी कैमरा इसमें शो हो रहा है। तो इसमें एडिट पे जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो इसका पासवर्ड हमने जो भी डाला हुआ है तो वो पासवर्ड हम डालेंगे। हर आईपी कैमरे का एक पासवर्ड होता है, नॉर्मली एडमिन होता है, तो उसको जब भी आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो चेंज पासवर्ड मांगता है, तो जो भी आप डाल लें वो डल जाएगा। तो ये देखिए हमने डाल दिया, अब ऐड आईपी कैमरे पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड, जैसे हम ऐड करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और ये देखिए अब दोबारा हम इसमें पासवर्ड डाल देंगे, ये हमने पासवर्ड इसका डाल दिया है और उसके बाद ओके करेंगे। और ओके करने के बाद ये ऐड हो चुका है, ये देखिए तो ये हमने कैमरा ऐड कर दिया। अब ये देखिए इसके जो 8 पोर्ट है उसमें नहीं आए, ये 9वें में आएगा, तो हम 3x3 करेंगे तो ये देखिए 9वें पोर्ट में ये आईपी कैमरा आ चुका है। तो आप 8 अपने रेगुलर कैमरे इसमें लगा सकते हैं, देन 9th कैमरा आपका आईपी कैमरा हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए आईपी कैमरा हमारा आ चुका है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होती है आईपी कैमरे की, उतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको एनवीआर में मिलेगी, बट डीवीआर के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्लैरिटी होती है, रेगुलर कैमरे से अच्छी क्लैरिटी होगी आपकी। तो ये देखिए आपको 10वां कैमरा अटैच कर सकते हैं, इसमें एक्चुअली काफ़ी आ रहे हैं, बट यू कैन अटैच टू आईपी कैमरा विद एन डीवीआर। अगर आपका 8 चैनल का डीवीआर है तो आप 2 आईपी कैमरा ईजिली इसमें अटैच कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अटैच करने में, तो ईजिली आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है और ये हमारा आईपी कैमरा इसमें ऐड हो चुका है। तो कभी भी आपको 8x4 का डीवीआर है, आपने 5 कैमरे लगाने हैं तो आप 5वां कैमरा आईपी कैमरा लगा सकते हैं। 8 का डीवीआर आपने 2 एक्स्ट्रा कैमरे लगाने हैं, उसको 10 का डीवीआर बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।